हिंदुस्तान के किसान सड़क पर चलकर दिल्ली में अपना मांग रखने आए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस की गोले चलाए गए। और मेरे मध्य प्रदेश में मेरे मंदसौर के किसान जो अपने उत्पादन का हक मांगने गए थे उनके छातियों पर गोली बरसाई गई। इस मिट्टी में उनका खून लथपथ करके मिलाया गया। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा की बोरी बिस्तर बांध के रवाना न करे तब तक मैं फूल की माला नहीं लूंगा, केवल सूत की माला लूंगा। विक्रमादित्य सिंह जी को आप अपने जनसेवक के रूप में चुन रहे हो, अपने परिवार के सदस्य के रूप में चुन रहे हो, अपने आप के बीच में के एक व्यक्ति को आप चुन रहे हो। 5 साल में भाजपा के मंत्री ने क्या करके दिखाया? न पानी, न सड़क, न बिजली, न राशन, दौरा भी नहीं। बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं। बड़े आदमी को मत चुनो, अपने घर के व्यक्ति को चुनो, उनको चुनो जिनके पूर्वजों ने दिखाया है कि उनकी अगर शरीर में लहू है तो जम्मू और कश्मीर की सेवा की लहू है, एक संकल्प की लहू है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबको देखा बारंबार, विक्रमादित्य सिंह जी को देखो एक बार। पद आते हैं, पद जाते हैं, कुर्सी आती है, कुर्सी जाती है, पर इस दिल के अंदर जो जगह होती है वो जिंदगी भर रह जाती है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? हाँ मोदी जी, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो आपने 5 साल में करके दिखा दिया, पूरे देश में असहिष्णुता का वातावरण तैनात कर दिया। भाई भाई के बीच में लड़ाई, जात जात के बीच में लड़ाई, धर्म धर्म के बीच में लड़ाई, इस देश की बुनियाद, इस देश का इतिहास धर्म निरपेक्षता, उदार विचारधारा, सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर बनी है। आपस में न बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को लगाकर हम लोग महिला सशक्तिकरण कराएंगे। तो चाहे महिला की बात हो, नौजवान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरे देश में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया है, जैसे विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा 10 दिन के अंदर नहीं 4 दिन के अंदर, वो पूरे देश में राहुल गांधी जी करके दिखाएंगे। क्या है मोदी जी की न्यू इंडिया? अम्मा का हक है भैया, नहीं इस देश में अम्मा, इस देश में हर अम्मा हर बुजुर्ग की बात करने का हक है। ये तो मोदी जी का ऐलान है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलता है तो सभी को बोलना चाहिए। मतदाता का मतलब कि यह मतदाता साधारण इंसान को उठाकर नेता बना देता है। पर ये भी याद रखना बिलावर की मेरी जनता, जो पर्यटक आज कठुआ में आए हैं
अपनी आस को बचाने के लिए चौकीदार ये भी याद रखना कि यही मतदाता में वो शक्ति है कि अगर उस नेता ने आपके साथ विश्वासघात किया तो आप में ही शक्ति है उस नेता को वापस नीचे लाकर धूल चढ़ाने की शक्ति है। आज नौजवान प्रताड़ित, कहा था इन्होंने हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए मोदी जी पान और पकौड़े की सरकार।